ये 1 मिनट चालू करेंगे हम लोग, है ना। यार ये मैंने ऐड कहीं देखा था यार, मैं फालतू इतनी मेहनत करता हूँ, तुम यहीं से पढ़ लो, 1 मिनट में पढ़ा देगा तुम्हें। रुक जाओ, हाँ 1 मिनट रुक जाओ, एक दो लोग और आ रहे हैं, फिर अपन चालू करते हैं ना। ओके चलो अपन चालू करते हैं। देखो आज का अपना टॉपिक है कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। अब यार ये वो टॉपिक है जिसके लिए अगर तुम्हें पुराना कुछ नहीं पता है ना, मान लो तुम्हारी पहली क्लास है आज, तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के सीखना कि ये टॉपिक है क्या, लाइक कैपेसिटर इन सीरीज क्या होता है, कैपेसिटर्स इन पैरेलल क्या होता है। देखो एक चीज तुम ध्यान से सुनना सब लोग, हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती है इस तरीके से, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा सबसे पहले तो यार अपन पढ़ रहे कैपेसिटर, तो तुम लोगों ने कभी लाइफ में कैपेसिटर देखा है? देखो दिखने में कैपेसिटर ऐसे होते हैं, तुमने देखा होगा यार अपने पंखों में लगे होते हैं, तुमने कभी एसी के अंदर देखा हो तो भी ऐसी छोटी छोटी डिवाइसेस लगी होती हैं, इनको हम कैपेसिटर्स बोलते हैं, है ना। तो अभी हम जो आज ही टॉपिक पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल वाला, हम मेनली बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बेसिकली हमारे पास दो प्लेट्स होती है और ये दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल होती है, तो इसको बोलते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है वो ध्यान से देखना। तो अगर आप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लोगे और उसको मान लो आप एक बैटरी से कनेक्ट करो, तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू दे देगा, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है ये इसको माइनस क्यू दे देगा, तो ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज हो गया। तो कोई तुम्हें पूछे कि भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, तो एक प्लेट जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है इस पे प्लस क्यू आ जाएगा, जो प्लेट नेगेटिव से कनेक्टेड है इस पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में कैपेसिटर्स, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर्स को सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में कैपेसिटर्स इन सीरीज। अब तुम ध्यान से समझना कि कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते कैसे। देखो मान लो ये कैपेसिटर है, 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 और मान लो कि मैंने इन चारों को एक बैटरी से कनेक्ट किया इस तरीके से। ठीक है, अब तुम सब ध्यान से देखना, कुशाग्र अध्ययन तुमने अभी ज्वाइन किया है बेटा, ध्यान से देखना, हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज, मतलब कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कैसे करते हैं। तो यहां पे ये जो चारों कैपेसिटर है ना, C1, C2, C3, C4, ये चारों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। अब सीरीज में कनेक्ट होने का मतलब क्या है, अब तुम ध्यान से देखना। जैसे देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है तो इस पे आ जाएगा प्लस क्यू, इस पे आ जाएगा माइनस क्यू, फिर इस पे आ जाएगा प्लस क्यू, फिर इस पे आ जाएगा माइनस क्यू, फिर इस पे आ जाएगा प्लस क्यू, इस पे आ जाएगा माइनस क्यू, फिर इस पे आ जाएगा प्लस क्यू, इस पे आ जाएगा माइनस क्यू। तो कैपेसिटर्स इन सीरीज में तुम्हें दो चीजें याद रखनी है, पहला तो ये कि पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर, पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ
अनादर कैपेसिटर। तो तुम ध्यान से देखो, इसका जो नेगेटिव प्लेट है वो किससे कनेक्टेड है, इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ध्यान से देखो, इसका नेगेटिव इसके किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ध्यान से देखो, ये नेगेटिव प्लेट किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या है कि एक कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट पास वाले के पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है। देखो, इसका नेगेटिव प्लेट किससे कनेक्टेड है, इसके पॉजिटिव है वायर के माध्यम से। इसका नेगेटिव किससे कनेक्टेड है, इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो याद रखना, अगर कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ अनदर कैपेसिटर। एक तो तुम्हें यह पॉइंट याद रखना है, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासकर जैसे अपने एमसीक्यू एग्जाम से, अब एमसीक्यू एसेशन रीजन, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर आपके कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, कॉमा चार्ज स्टोर्ड बाय देम विल बी सेम, चार्ज स्टोर्ड बाय देम विल बी सेम, चार्ज स्टोर्ड बाय देम विल बी सेम। तो अगर आपके कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो उन सब के ऊपर बराबर चार्ज होता है। देखो, इस कैपेसिटर ने कितना चार्ज स्टोर कर रखा है, क्यू, इसने भी कितना स्टोर कर रखा है, क्यू, इसने भी कितना स्टोर कर रखा है, क्यू, इसने भी कितना स्टोर कर रखा है, क्यू। तो दो चीजें तुम्हें कैपेसिटर्स इन सीरीज की याद रखनी है। पहली चीज तो तुम्हें क्या याद रखनी है, अगर आपके कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं और मान लो आपने किसी बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तो एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट दूसरे की किससे कनेक्टेड होती है, पॉजिटिव से, और उसके बाद ये सब कैपेसिटर बराबर चार्ज स्टोर करते हैं। तो तुम्हें ये दोनों पॉइंट अपनी कॉपी में लिखना है, एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, और आज की क्लास से कम 2 से 3 नंबर के वेटेज के क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। और अगर तुम जेई नीट दे रहे हो तो इसके बहुत एमसीक्यूज आते हैं सीरीज पैरेलल के, तो ध्यान से समझना इसको। एक बार लिख लो ये दोनों पॉइंट अपनी कॉपी में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ पूछो सर। पैरेलल में भी तो अपन सेम ही चार्ज दे रहे थे इनको। नहीं नहीं नहीं, पैरेलल हर्ष मुझे आए थे, पैरेलल पे, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अभी एक बार सीरीज कर लेते हैं, फिर अपन पैरेलल पे आते हैं। और तुम में से सर एक क्वेश्चन और था। हाँ पूछो सर। कैपेसिटर अपन क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टर से भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, कैपेसिटर अगर बनता है तो सिर्फ कंडक्टर से बनता है, कैपेसिटर कभी भी इंसुलेटर से नहीं बनता। लेकिन आपने कुछ बताया ना, बीच में कुछ नॉन कंडक्टर डाल सकते हैं। हाँ, बीच में अगर अपन डाल सकते हैं, मतलब कैपेसिटर जिस प्लेट का बना है ना, जिस ये प्लेट जिस मटेरियल की बनी है, ये प्लेट तेरी किसकी होगी, कंडक्टर की होगी। ओके सर, ठीक है। अच्छा, तुमने क्विज दिया क्या, क्विज में मैंने एक क्वेश्चन डाल रखा था। हाँ सर, वही कंफ्यूजन हो गया था। हाँ, कैपेसिटर के बीच में तो वुड डाल सकता है, प्लास्टिक डाल सकता है, पर प्लेट तुझे किसकी बनानी है, कंडक्टर की बनानी है। लिख लिया सबने, ये दोनों पॉइंट लिख लिए, कोई डाउट है तो पूछो। अध्ययन भाई कोई डाउट है, अक्षा कोई डाउट है, कुशाग्र रिदम, कुशल भाई कोई डाउट है तो पूछो। नहीं सर, डाउट नहीं। ओके यार, चलो थैंक्स यार। तो देखो, अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट दूसरे की पॉजिटिव से कनेक्टेड होती है, और सबके ऊपर बराबर चार्ज होता है। सबके ऊपर क्या होता है, सबके ऊपर चार्ज बराबर होता है। तो अब एक फॉर्मूला मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं, उस फॉर्मूले का डेरिवेशन अपन बाद में करेंगे, पहले वो फॉर्मूला तुम सबको यूज करना सीखना है। तो लिखो अपनी कॉपी में, आई होप तुमने लिख लिए होंगे दोनों पॉइंट। तो लिखो अपनी कॉपी में, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर मान लो आपके पास, मान लो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, जैसे मान लो C1, C2, C3, तो इन तीनों को कंबाइन करके आप खाली एक कैपेसिटर बना सकते हो, और मान लो इसका कैपेसिटेंस है सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1/C equivalent = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये 10वीं क्लास में आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था ना रेजिस्टेंस का, उसका उल्टा है, याद है? 10वीं में सीरीज में अपन ऐड कर देते थे R1 + R2 + R3, यहाँ पे कैपेसिटर में उल्टा होता है। तो कैपेसिटर में अगर आपके कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे तुम, 1/C equivalent = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। और याद रखना, इन सब पे चार्ज बराबर होता है, +Q - Q + Q - Q + Q - Q, तो इस पे भी कितना आ जाएगा, +Q - Q। ठीक है, बना लो इसको अपनी कॉपी में, एक बार लिख लो, फिर एक क्वेश्चन मैं करूंगा,
एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, एक बार लिख लो उसको अपनी कॉपी में। लिख लिया, एक बार लिख लो सब लोग, और फिर मैं एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है? ओके यार देखो, अब अगर मान लो मैं तुम्हें ये पूछूं कि मान लो मेरे पास ये सारे कैपेसिटर हैं, मान लो मेरे पास इतने सारे कैपेसिटर है और इन सबको मैंने लगा रखा है, और मान लो कि यहां पे एक वायर है और सपोज करो यहां पे एक वायर है, मान लो इसका नाम C1 है, इसका नाम C2 है, इसका नाम C3 है, इसका नाम C4 है, इसका नाम C5 है, इसका नाम C6 है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इनमें से कौन से कैपेसिटर सीरीज में है ना, तो अब तुम सब ध्यान से सुनना। देखो, दो कैपेसिटर सीरीज में तभी होते हैं जब उनके बीच में कोई तीसरा वायर नहीं निकल रहा हो। जैसे यहां पे ध्यान से देखो तो यहां पे एक वायर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये C2 और C3 सीरीज में नहीं हो सकते, तो C1 और C2 सीरीज में है। यहां पे ध्यान से देखो, C3 C4 के बीच में कोई वायर नहीं है, C4 C5 के बीच में कोई वायर नहीं है, तो ये तीनों भी किसमें सीरीज में है, और C6 किसी के भी साथ सीरीज में नहीं है क्योंकि बीच में यहां पे क्या है, एक वायर कनेक्शन है। तो कैपेसिटर सीरीज में तभी होते हैं जब उनके बीच में और कोई वायर कनेक्शन नहीं होता है। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि यहां पे एक वायर कनेक्शन है, तो यहां पे अगर वायर कनेक्शन आएगा तो C3 भी किसी के साथ सीरीज में नहीं है, तब कौन होंगे, खाली C4 और C5 किसमें होंगे, सीरीज में होंगे। आया तुम्हें समझ में कि सीरीज में है कि नहीं, कैसे पता करते हैं, कि नहीं समझ में आया? तो जैसे मान लो मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं, सब लोग ध्यान से सुनना, मान लो कि मैंने यहाँ पे इतने सारे कैपेसिटर बना रखे, ठीक है, ये मैंने इतने सारे कैपेसिटर की चेन बना रखी है, और मान लो कि इसका नाम C1 है, इसका नाम C2 है, इसका नाम C3 है, इसका नाम C4 है, इसका नाम C5 है, इसका नाम C6, इसका नाम C7, और मान लो यहाँ पे एक वायर है, मान लो यहाँ पे एक वायर है, और मान लो यहाँ पे एक वायर है, ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन से कॉम्बिनेशन सीरीज में है, सोच सकते हो? एक सेकंड ना, मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग हो गया, जस्ट गिव मी वन सेकंड, मेरा लैपटॉप है जस्ट हैंग गया। यस सर, किस किस का आंसर आया, किस किस का नहीं आया? देखो यहां पे एक तो C1 C2 सीरीज में है, एक C3 C4 सीरीज में है, एक C5 C6 और C7 सीरीज में है। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? C1 ये C2 और C3 नहीं हो सकते, तो आप इनको अलग से कंबाइन करो, इनको अलग से कंबाइन करो, इनको अलग से कंबाइन करना पड़ेगा। आया समझ में? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? डाउट है तो पूछो यार। कुशल कोई डाउट है? और ये AR कौन है भाई, ए रहमान है क्या? डाउट है तो नो सर। मट्टा साहब कोई डाउट है सर? हर्ष, यस सर। हाँ चलो ठीक है, नो डाउट सर। तो अब मुझे इनको कंबाइन करके बताओ, मान लो कि ये तीन कैपेसिटर मैं तुम्हें सीरीज में दे रखे हैं, एक है 3 माइक्रोफेरेड का, एक है 3 माइक्रोफेरेड का, एक है 3 माइक्रोफेरेड का, है ना, ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में, तुम मुझे बताओ कि इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर? ये माइक्रो 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 एक बार तुम इग्नोर करो, फाइनल आंसर में फिर माइक्रो लगा देना। एक बार तुम क्या करो, इस माइक्रो 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 को इग्नोर कर दो, फाइनल आंसर में फिर लगा देना माइक्रो, कितना आएगा सोचो। तो 1/C equivalent = 3 है, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो 1/C equivalent कितना हो जाएगा, मैंने क्या क्या माइक्रो माइक्रो छोड़ो, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 3/3, तो 3 से 3 गया, तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया 1, और फाइनल लगा दो माइक्रोफेरेड, तो आपका इक्विवेलेंट कितना आ गया 1 माइक्रोफेरेड आ गया। आया समझ में कि कोई डाउट है इसमें? क्लियर हुआ सिद्धार्थ? क्लियर हुआ रिदम? कोई डाउट है तो पूछो। अध्ययन अक्सा कोई डाउट है तो पूछो। ये आ गया 1 माइक्रोफेरेड। है कोई डाउट किसी को?
ओके कोई डाउट नहीं है, तो एक टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एक क्वेश्चन करके लिखो, हाउ मच चार्ज इज रिलीज्ड बाय बैटरी। तो अगर मान लो कि आप किसी कैपेसिटर को किसी बैटरी से लगाते हो, तो मैं क्या बोलता हूं तुम्हें कि आपकी बैटरी कैपेसिटर को चार्ज कर देती है, तो बैटरी कितना चार्ज करेगी? तो इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी। वी होता है पोटेंशियल ऑफ बैटरी, मतलब आपकी बैटरी का पोटेंशियल क्या है, वी होता है पोटेंशियल ऑफ बैटरी, क्यू का मतलब होता है चार्ज रिलीज्ड बाय बैटरी, आपकी बैटरी ने कितना चार्ज रिलीज किया, और सी इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है कितना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। लिख लो अपनी कॉपी में, एक बार ये फॉर्मूला लिख लो, फिर एक न्यूमेरिकल मैं करूंगा, एक न्यूमेरिकल तुम्हें करना है, एक बार लिख लो उसको। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है अब देखो, मैं तुम्हें सिखाता हूं। हाउ मच चार्ज इज रिलीज बाय बैटरी, तो आपकी बैटरी कितना चार्ज रिलीज करेगी। देखो ये फॉर्मूला मैंने क्यों पढ़ाया, अब तुम सब ध्यान से सुनना। सपोज करो मैं तुम्हें ये वाली सर्किट दूं कि मान लो कि आपके पास एक 3 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर है, और मान लो आपके पास एक 6 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर है, और मान लो कि यहाँ पे नीचे एक बैटरी लगी है, मान लो वो 12 वोल्ट की बैटरी है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन है फाइंड सी इक्विवेलेंट कॉमा चार्ज, है ना, मतलब सी इक्विवेलेंट कितना है और आपकी बैटरी कितना चार्ज रिलीज कर रही है। ठीक है, ये दो चीजें आपको बतानी है। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, सबसे पहले तुम सब मेरे साथ सी इक्विवेलेंट निकालना सीखो। तो तुम मुझे बताओ ये 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड किस में सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, सोचो। ये 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड किस में है, सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, सोचो सब। तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6 हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। 3 माइक्रोफेरेड एक 6 माइक्रोफेरेड, तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6 हो जाएगा। तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 6 हो जाएगा, तो 2 प्लस 1, तो आपका सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 6/3, तो ये कितना आ गया, 2 माइक्रोफेरेड आ गया। किसी का कोई डाउट तो नहीं है कि मैंने कैसे निकाला, कि डाउट है इसमें। कोई डाउट है मैंने सी इक्विवेलेंट कैसे निकाला, ध्यान से देखो ये 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड किसमें, 3 और 6 सीरीज में, तो 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6 ये सी इक्विवेलेंट आ गया। फिर मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि बैटरी से कितना चार्ज निकलता है कैसे निकालते हैं, तो Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट V, तो सी इक्विवेलेंट कितना है 2 माइक्रो, ये कितना है 12, तो 12 टू जा कितना हो जाएगा 24 माइक्रो कूलम, तो आपकी बैटरी से कितना चार्ज निकलेगा 24 माइक्रो कूलम। आया समझ में कि नहीं समझ में आया, कैसे निकाला मैंने, तो बैटरी से कितना निकला 24 माइक्रो कूलम, तो यहां कितना पहुंचा, तो इस पे पहुंचेगा प्लस 24 माइक्रोकूलम, यहां आ जाएगा माइनस 24 माइक्रोकूलम। और मैंने तुम्हें क्या सिखाया, अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो वो जो चार्ज स्टोर करते हैं वो सेम होगा, तो इस पे वापस कितना आ जाएगा प्लस 24 माइक्रोकूलम, इस पे कितना आ जाएगा माइनस 24 माइक्रोकूलम। इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार, एनी डाउट्स, कोई भी डाउट हो तो पूछो यार, प्लीज यार जल्दी। आशीष भाई कोई डाउट है, अक्सा कोई डाउट है, सिद्धार्थ, कुशाग्र, रिदम भाई पूछो, हर्ष कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। कुशल, कुशल डांगी भाई, ये टॉपिक आज ही चालू किया है मैंने, आ जाएगा, कोई डाउट है तो पूछ। नो सर। ठीक है सर, कोई डाउट नहीं है, तो अगला क्वेश्चन तुम सबको सॉल्व करना है, एक बार लिख लो इसको यार, लिख लो। सिद्धार्थ अगला क्वेश्चन तू ध्यान से समझना, तेरा शायद नेटवर्क टूट गया था। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, तो यार अगला क्वेश्चन तुम सबके लिए ये रहा। तो क्वेश्चन है ये, आपके पास 3 कैपेसिटर है, कितने हैं आपके पास, 3 कैपेसिटर है, पहला 4 माइक्रोफेरेट का, दूसरा 4 माइक्रोफेरेट का, तीसरा 2 माइक्रोफेरेट का, और मैंने क्या कर रखा है, मैंने इनको कनेक्ट कर रखा है एक 10 वोल्ट की बैटरी से। तो आपको बताना है दो चीजें, एक तो आपको बताना है कि सी इक्विवेलेंट कितना है, दूसरा आपको बताना है बैटरी से कितना चार्ज निकला, तीसरा आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है।
तो आपको बताना है कि हर कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, और चौथा एक नई चीज, पोटेंशियल ऑफ 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ट्राई करो, पहले 3 तो तुम कर सकते हो, चौथे में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। करो, तुम सब ट्राई करो, देखो क्या आता है। हर्ष ट्राई करो, अध्ययन भाई ट्राई करो, बेटा करो, कौस्तुभ सर ट्राई करो, मट्टा साहब करो, पेन उठाओ करो ट्राई। करो क्या आएगा, करो करो जल्दी करो सब। यश आर्य क्या आ रहा है, कुशल साहब कितना आ रहा है, ओ कौस्तु भाई कितना आ रहा है, सर कितना आ रहा है, 1/C कितना हो जाएगा, चेक करो। मैं क्या बोलता हूँ, माइक्रो वाइक्रो बाद में लगा देना, 1/4 + 1/4 + 1/2, तो एलसीएम तो 4 आ जाएगा, तो 1 + 1 + 2 आ जाएगा, इतना ही आ रहा है क्या, तो हाँ यार इतना ही आ रहा है, तो 1/C कितना आ जाएगा, 4/4, तो ये तो आ गया 1, तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, 1 माइक्रोफेरेड आ गया। तो ये तो पहले पार्ट का आंसर है। अब चार्ज कितना निकलेगा, तो क्यू क्या होता है, सी इक्विवेलेंट वी, तो ये कितना है 1 माइक्रो × 10, तो ये कितना आ जाएगा 10 माइक्रो कूलम, तो बैटरी से निकला 10, तो इस पे आया +10 माइक्रो, इस पे -10 माइक्रो, इस पे आया +10 माइक्रो, इस पे आया -10 माइक्रो, इस पे आया +10 माइक्रो, इस पे आया -10 माइक्रो। इस तरीके से आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है। आया समझ में, तो चार्ज भी आ गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया। अब इस टॉपिक का लास्ट पार्ट, मतलब जो मुझे तुम्हें एक्चुअली थ्योरी में पढ़ाना चाहिए था, मैं तुम्हें न्यूमेरिकल के साथ पढ़ा रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 माइक्रोफेरेड। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ इस 2 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो कैसे निकालोगे? अच्छा, ये पहले तीनों पार्ट में किसी को डाउट है तो पूछो। ठीक है, देखो अब मैं तुम्हें सिखाता हूं कि किसी इंडिविजुअल कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्यू इक्वल टू सी वी। तो 2 माइक्रोफेरेड ने कितना चार्ज स्टोर कर रखा है, 10 माइक्रो कूलम, कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रो, और वी, तो माइक्रो से माइक्रो गया, 2 फाइव जा गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 5 वोल्ट आ गया। इस तरीके से निकालते हैं, करेक्ट है शौर्य, करेक्ट है, इस तरीके से निकालते हैं। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अध्ययन कोई डाउट है, कौस्तुभ सर, कुशाग्र कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है यार, कोई डाउट नहीं है, तो एक बार अपन कैपेसिटर्स इन पैरेलल की तरफ जाते हैं। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना मैं पैरेलल की तरफ जा रहा हूं। ओके चलो चलो, अपन पैरेलल की तरफ चलते हैं। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें इनकी डेरिवेशन करा दूंगा, पहले अपन टॉपिक सीख लेते हैं। तो पैरेलल में देखो कैसे कनेक्ट करते हैं। मान लो कि ये कैपेसिटर है, मान लो कि ये कैपेसिटर है, इसे थोड़ा बड़ा बनाता हूं। तो मान लो इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, और मान लो कि मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट करता हूं, और मान लो कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब तुम ध्यान से देखना, तो जो प्लेट पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो पॉजिटिव चार्ज होगी दोनों, और जो प्लेट नेगेटिव से कनेक्टेड है ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। देखो मान लो कि नीचे वाली पे चार्ज आया तुम्हारा Q1 -Q1, ऊपर वाले पे Q2 और -Q2। यहां पे दो चीजें तुम्हें क्या याद रखनी है, पहली चीज तो तुम्हें ये याद रखनी है कि ध्यान से देखो, ऊपर वाली प्लेट का पॉजिटिव नीचे वाली के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। और याद है सीरीज में क्या था, मैं याद है मैंने सीरीज में क्या सिखाया था, सीरीज में मैंने तुम्हें यह सिखाया था कि एक कैपेसिटर का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, पर पैरेलल में क्या होता है, देखो उल्टा होता है। तो पहला पॉइंट तो क्या है कि पॉजिटिव प्लेट्स एंड नेगेटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट होता है, आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो ध्यान से देखो, नेगेटिव प्लेट नेगेटिव से कनेक्टेड है,
पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और यहाँ सीरीज में क्या था, सीरीज में सब पे चार्ज सेम था, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता। तो इन पैरेलल कॉमा चार्ज स्टोर्ड इज डिफरेंट, चार्ज स्टोर्ड इज डिफरेंट। तो पैरेलल में आपका जो चार्ज होता है ना वो डिफरेंट होता है, चार्ज स्टोर्ड इज डिफरेंट। देखो ऊपर वाला कैपेसिटर कितना स्टोर कर रहा है Q2, नीचे वाला कितना कर रहा है Q1। और याद रखना यहां पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C1 + C2। एकदम उल्टा लिख लो अपनी कॉपी में, तीनों पॉइंट लिख लो दोनों, और एक फॉर्मूला लिख लो, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लिख लो, तो कैपेसिटर अगर पैरेलल में है तो पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, और चार्ज अलग अलग होता है भाई। अब यहां पे ऊपर वाला कैपेसिटर कितना है तो वो उतना चार्ज स्टोर करेगा, नीचे वाला कैपेसिटेंस कितना है तो वो उतना करेगा, क्योंकि पैरेलल है, दोनों इंडिपेंडेंट है। तुमने दसवीं में पढ़ा होगा कि घर में जितने भी बल्ब है वो सब पैरेलल में लगे होते हैं, सीरीज में ही लगे होते हैं, तो वही कंसेप्ट है यहाँ। और यहाँ पे इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, सीधा ऐड कर दो C1 + C2। कुछ पूछना है तो पूछो इसमें, ठीक है? तो देखो अब मैं तुम्हें इनके क्वेश्चंस करना सिखाता हूं यार, अब मैं तुम्हें से क्वेश्चन करना सिखाता हूं। कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लो। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। मान लो ये कैपेसिटर है, मान लो ये कैपेसिटर है, मान लो ये कैपेसिटर है, मान लो ये आपका 2 माइक्रोफेरेट का है, ये आपका 3 माइक्रोफेरेट का है, ये आपका 4 माइक्रोफेरेट का है, तो बताओ यहां पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा। सोचो, पैरेलल है तो तीनों ऐड हो जाएंगे, C1 + C2 + C3, तो ये आ जाएगा 2 + 3 + 4, तो ये कितना आ गया, 9 माइक्रोफेरेट। आया समझ में? कोई डाउट है तो पूछो। तो ये पॉजिटिव होगा पॉजिटिव होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा नेगेटिव होगा नेगेटिव होगा। क्लियर हुआ तुम्हें कि नहीं क्लियर हुआ, कैसे करते हैं क्वेश्चंस? कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, अच्छा कोई डाउट नहीं है। देखो आज मैं तुम्हें एक चीज सिखाऊंगा, इसको हम बोलते हैं पॉइंट मेथड। ये चीज अपने अगले 6-7 चैप्टर में काम आएगी, पॉइंट मेथड। तो ये पॉइंट मेथड क्या बोलता है, ध्यान से देखना। जिसे मान लो कि ये कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट की कोई वायर है, और मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि इस वायर के इस पॉइंट का नाम ए है, तो याद रखना आप इस पॉइंट को भी ए बोल सकते हो। अगर यहां से लेके यहां तक मान लो रस्ते में कुछ नहीं है, ना कोई रजिस्टर है, ना कोई कैपेसिटर है, ना कोई बैटरी है, तो इसको भी आप ए बोल सकते हो, इसको भी आप ए बोल सकते हो, क्योंकि यहां से लेके यहां तक रास्ते में कुछ नहीं है। इसको भी आप ए बोल सकते हो क्योंकि यहां से लेके यहां तक रास्ते में कुछ नहीं है, है ना? लेकिन मान लो कि आपकी सर्किट ऐसे है, इस तरीके से मान लो कि ये पॉइंट ए है, तो आप इस पॉइंट को ए बोल सकते हो, इस पॉइंट को ए बोल सकते हो, लेकिन इस पॉइंट को आप ए नहीं बोल सकते, इसको आपको दूसरा नाम देना पड़ेगा बी। तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, बी। इसका नाम भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको बोलते पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड क्या बोलता है कि अगर मान लो एक इलेक्ट्रिक वायर में दो पॉइंट के बीच में कोई भी डिवाइस नहीं लगी हुई है, तो वो दोनों पॉइंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, ए और ए। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि ये वाला पॉइंट ए है, तो ये वाले पॉइंट को मैं ए बोल सकता हूं, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? क्योंकि अगर मैं यहां से लेके यहां तक जाऊंगा, रास्ते में कुछ नहीं है, तो ये ए है, तो इसको भी मैं ए बोल सकता हूं, और इसको भी मैं ए बोल सकता हूं, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सिमिलरली ये ए है, तो इसको अपन ए तो नहीं बोल सकते, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये बी है तो इसको मैं बी बोल सकता हूँ, ये ए हो जाएगा। अगर ये बी है तो इसको मैं बी बोल सकता हूँ, और देखो इसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ, बी बोल सकता हूँ, है ना? तो ध्यान से देखो, ऊपर वाले कैपेसिटर के अक्रॉस क्या पॉइंट है, ए बी। बीच वाले के अक्रॉस क्या पॉइंट है, ए बी। नीचे नीचे वाले के अक्रॉस क्या पॉइंट है, ए बी। तो अगर पॉइंट सेम होते ना कैपेसिटर के अक्रॉस, तो वो किसमें होते हैं, पैरेलल में होते हैं। ये मेथड तुम्हें आगे बहुत काम आएगा। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि सर देख के ही पता पड़ रहा है पैरेलल में तो क्यों सिखा रहे हो, लेकिन ये आगे तुम्हारे काम आएगा।
तो तुम सबको पॉइंट मेथड समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जैसे मान लो कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं जो पॉइंट मेथड से ही होगा, वरना बिना पॉइंट मेथड के नहीं हो सकता। मान लो कि तुम्हें मैंने तीन कैपेसिटर दे रखे हैं और मैंने इस तरीके से लाइन बना रखी है, ठीक है, और मैं तुम्हें बोलता हूं कि ये 2 माइक्रोफेरेट का है, मैं तुम्हें बोलता हूं कि ये 2 माइक्रोफेरेट का है, मैं तुम्हें बोलता हूं कि ये 2 माइक्रोफेरेट का है। तो आपको मुझे बताना है कि ये जो कैपेसिटर्स हैं इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। सॉल्व करो, बिना पॉइंट मेथड के तुम ये नहीं कर सकते। मान लो कि ये वाला पॉइंट ए है और सपोज करो कि ये वाला पॉइंट बी है, चेक करो क्या आएगा। बिना पॉइंट मेथड के आप इसको देख के नहीं कर सकते। आप अगर पॉइंट मेथड लगाओगे ना, धड़ाके से क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा, चेक करो। और 2 मिनट से ध्यान से देखना मैं कैसे करूंगा इसको। देखो ये ए है, ये वाला पॉइंट ए है, तो आप मुझे बताओ ये ए है तो इसको मैं ए लिख सकता हूं, कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक रास्ते में कुछ नहीं है। अच्छा ये ए है तो देखो ऊपर वाले रास्ते से चलो, तो अभी तक रास्ते में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो इसको भी मैं ए बोल सकता हूं। तो ये देखो ये ए हो गया, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब देखो ये बी है तो इसको भी मैं बी बोल सकता हूं, तो ये बी है तो यहां पे रास्ते में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो ये भी क्या हो जाएगा, देखो ये बी हो जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो इस 2 माइक्रोफेरेट के अक्रॉस क्या पॉइंट है, ए और बी है। इस 2 माइक्रोफेरेट के अक्रॉस क्या पॉइंट है, ए और बी है। इस 2 माइक्रोफेरेट के अक्रॉस मतलब दोनों तरफ क्या पॉइंट है, ए और बी है। तो इन तीनों के अक्रॉस सेम पॉइंट है, तो ये तीनों किसमें पैरेलल में, तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 माइक्रोफेरेट आएगा। आया तुम्हें समझ में कि पॉइंट मेथड कैसे यूज किया जाता है कि नहीं समझ में आया? हर्ष समझ में आया? सिद्धार्थ, अध्ययन, अक्सा, कौस्तुभ भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पॉइंट मेथड क्या बड़ी सर चीज़? एक बार वापस सर, आ गया, एक बार वापस कोई दिक्कत नहीं है, एक बार वापस देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। इसे मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि ये दो कैपेसिटर है और मान लो ये दो कैपेसिटर और है, और मान लो मैं तुझे ऐसा बोलूं इस तरीके से, और सपोज कर इस तरीके से, मान ले कि ये 1 माइक्रोफेरेड है, मान ले ये 1 माइक्रोफेरेड है, और मान ले ये 2 माइक्रोफेरेड है, और मान ले ये 2 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। और मैं तुझे बोलूं कि ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ठीक है। अब मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। देखो अब तुम सब इस सर्किट को ध्यान से देखो, तुम सबको एक चीज पक्का दिख रही होगी कि ये 2 वोल्ट सीरीज में है कि नहीं। तुम सब मुझे देख के बताओ, मैं तुम्हें निकालना सिखाया है कि कैसे पता करते सीरीज में है। देखो इन दोनों yes, के बीच में कोई वायर नहीं, सीरीज में है, तो पहले इन दोनों को कंबाइन करो, तो 1/C eq = 1/2 + 1/2, तो 2 तो एलसीएम में आ जाएगा, 1 + 1 = 2, तो 2 से 2 गया 1, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आया, 1 माइक्रोफेरेड। तो इन दोनों की जगह खाली 1 बना दो, तो ये नई सर्किट कैसे बनेगी, देखिए ये 1, ये 1, और इन दोनों की जगह आप खाली 1 बना दो, और देखिए कैसे आ रहा है, एक यहां से आ रहा है और यहां तक जा रहा है, एक यहां से आ रहा है और यहां तक जा रहा है, ये 1 माइक्रोफेरेड है, ये 1 माइक्रोफेरेड है, ये 1 माइक्रोफेरेड है। अब देख हर्ष, मैं यहाँ पे पॉइंट मेथड कैसे यूज करूंगा। देख ये वाला पॉइंट ए है, तो तू मुझे देख के बता, ये ए है तो इसको भी मैं ए लिख सकता हूं क्योंकि रास्ते में कुछ नहीं है, और ये ए है तो देख ऊपर से जाके देखते हैं, तो यहां से जा यहां पे आ, तो अभी तक रास्ते में कुछ नहीं है, तो इसको भी अपन ए लिख सकते हैं। उसी तरीके से देख ये बी था, तो ये बी था तो इसको मैं बी लिख सकता हूं, देख बी आ गया, और नीचे से होते हुए आ, तो यहां पे आ, यहां पे आ, यहां पे आ, देख यहां पे आ जा, तो ये भी क्या आ गया, बी आ गया। तो ध्यान से देख, इस 1 माइक्रो के एक तरफ क्या है ए, एक तरफ क्या है बी, इस 1 माइक्रो के एक तरफ क्या है ए, एक तरफ क्या है बी, इस 1 माइक्रो के एक तरफ क्या है ए, एक तरफ क्या है बी। तो ध्यान से देख, तीनों के अक्रॉस पॉइंट सेम है, तो ये तीनों तेरे किसमें पैरेलल में, तो आंसर कितना आएगा, 3 माइक्रोफेरेड। ओके सर, समझ में आया? तो मुझे ये वाला क्वेश्चन तुम सब करके बताओ, ये वाला क्वेश्चन सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक पॉइंट है, मान लो ये एक कैपेसिटर है, मान लो ये एक कैपेसिटर है, मान लो ये नीचे एक कैपेसिटर है, और मान लो इधर एक कैपेसिटर है, ठीक है, और ये कैपेसिटर इस तरीके से लगे हुए हैं, और मान लो ये वाला पॉइंट है ए, और मान लो ये वाला पॉइंट है बी, और मान लो ये 2 माइक्रोफेरेड है, ये 1 माइक्रोफेरेड है, ये 3 माइक्रोफेरेड है, और ये 4 माइक्रोफेरेड है। तो आपको बताना है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। ट्राई करो,
सोचो पॉइंट मेथड से ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। अब तुम्हें थोड़ा सा क्या लगाना पड़ेगा, थोड़ा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, लगाओ दिमाग। देखो ये ए है, ये बी है, तो ध्यान से देखो ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी, ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी, ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी, और ये बी है तो ये भी बी है। ध्यान से देखते हो इस 2 माइक्रो के अक्रॉस क्या पॉइंट है, ए बी, इस 1 के अक्रॉस क्या पॉइंट है, ए बी, इस 3 के अक्रॉस क्या पॉइंट है, ए बी, इस 4 के अक्रॉस क्या पॉइंट है, ए बी, तो चारों किसमें पैरेलल में, तो 2 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4, तो आंसर आ गया 10 माइक्रो। आया समझ में कि तुम्हें नहीं समझ में आया? पॉइंट मेथड तुम्हें यूज करना पड़ेगा, तुम्हें सीखना पड़ेगा, है ना, वरना चैप्टर नंबर 3 में तो अपन बहुत फंस जाएंगे। तो अब तुम प्रैक्टिस कर लो कि तुम्हें इसे सीखना पड़ेगा। अब कोई डाउट है इसमें तो पूछो मुझे, कुशल कोई डाउट है? नो सर। अच्छा देखो अब तुम सब मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें डाउट नहीं है तो मैं तुम्हें एक कैपेसिटर्स का एक तुम्हें है ना वो भेज रहा हूँ डीपीपी, है ना। कुशल तुमने आज चालू, तुमने अभी चालू किया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सीरीज पैरेलल देख के तुम्हें कंबाइन करके इक्विवेलेंट निकालना सीखना है। तो मैं तुम्हें 10-12 क्वेश्चन भेज रहा हूँ, ज्यादा नहीं भेज रहा हूँ, तुम सबको वो ट्राई करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे और सीरीज पैरेलल की डेरिवेशन खत्म करेंगे, और अगले वीक तक तुम्हारा चैप्टर खत्म करके मैं चैप्टर नंबर 3 पे आ जाऊंगा, ठीक है। और एक क्विज भेज रहा हूँ, क्विज तुम्हें सबमिट करना है, ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछो। चलो ओके यार, स्लाइड नंबर 8 चाहिए सिद्धार्थ, 8वीं स्लाइड कौन सी है यार, ये ले भाई 10। ओके यार चलिए, मीटिंग खत्म होने वाली है 1 मिनट में। वो उल्टा हो जाएगा देख मिस सिद्धार्थ, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लेंगे तो उल्टा हो जाएगा वो। दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लिया 6/3 हो जाएगा वो।